और इस बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में दिखा है तुर्की का TRLG-230 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। वॉर जोन में नजर आया TRLG-230 का बड़ा एक्शन। TRLG मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से मिसाइलें दागी गई हैं। रूस यूक्रेन जंग में घातक TRLG-230 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की एंट्री हो चुकी है। यूक्रेन के आसमान में पहली बार TRLG-230 से मिसाइलें दागी गई, जिसकी गूंज कई किलोमीटर तक सुनी गई। तुर्की का TRLG-230 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम बैटलफील्ड में बेहद घातक MLRS में शुमार है। सूत्रों के मुताबिक तुर्की की ओर से यूक्रेन को रॉकेट सन TRLG-230 सिस्टम दिया गया है। ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ये मिसाइल रॉकेस्टन MCL आर्टिलरी सिस्टम के जरिए टारगेट पर सटीक वार करती है। इस घातक मिसाइल के जरिए कोई भी सेना दुश्मन को नाकों चने चबवा सकती है। वहीं यूक्रेन के विध्वंसक जंग के बीच रूसी सेना पुराने हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस पुरानी लूना M कॉम्प्लेक्स मिसाइलों से अटैक कर रहा है, जिसकी मारक क्षमता सिर्फ 700 मीटर है। लूना M को 60 के दशक में डेवलप किया गया था।